दोस्तों जोहार नमस्कार, द की पॉइंट्स यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में हम झारखंड सामान्य ज्ञान के बारे में कुछ जानेंगे, और जिसके झारखंड सामान्य ज्ञान जिसके अंतर्गत हम झारखंड से प्रकाशित होने वाली पत्र पत्रिकाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज के क्लास में हम झारखंड से संबंधित और झारखंड आंदोलन या झारखंड से प्रकाशित होने वाले जितने भी पत्र पत्रिकाएं हैं उनके बारे में बारी बारी से चर्चा करेंगे तथा जानेंगे कि उसका प्रकाशन कब से शुरू हुआ था तथा उनके जो संपादक थे वे कौन थे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहली पत्रिका है घर बंधु। दोस्तों तो झारखंड की पहली पत्रिका है घर बंधु। इसका प्रकाशन 1880 ईस्वी में हुआ था। घर बंधु पत्रिका का प्रकाशन 1880 में शुरू हुआ था, रांची से इसका प्रकाशन होता था, और इनके संपादक थे एनोड रॉड और ये GEL मिशन से संबंधित व्यक्ति थे एनोड रॉड। दोस्तों अगली पत्रिका का नाम है आर्यावर्त। दोस्तों आर्यावर्त पत्रिका का प्रकाशन साप्ताहिक होता था और इसका प्रकाशन 1898 ईस्वी में शुरू हुआ था। 1898 ईस्वी में आर्यावर्त पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ था और इनके संपादक थे बालकृष्ण सहाय। आर्यावर्त पत्रिका के संपादक थे बालकृष्ण सहाय। अगली पत्रिका का नाम है छोटा नागपुर और इसका प्रकाशन शुरू हुआ था 1924 ईस्वी में और इनके संपादक थे रामराज शर्मा। छोटा नागपुर पत्रिका का प्रकाशन हुआ था 1924 ईस्वी में रामराज शर्मा। दोस्तों आप लोगों से एक गुजारिश है, यदि इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो इन जो हम बता रहे हैं इस क्लास में उनको कोई कागज़ में नोट डाउन करते जाएँ ताकि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें, क्योंकि यदि हम सिर्फ सुनेंगे तो ज़्यादा देर तक उस बात को हम याद नहीं रख सकेंगे, और यदि आप हमारे साथ साथ लिखते जाएंगे तो आपके लिए लंबे समय तक आपके दिमाग में सेव रहेगा। तो दोस्तों हमारी अगली पत्रिका का नाम है मैन इन इंडिया और इसका प्रकाशन शुरू हुआ था 1929 ईस्वी में। मैन इन इंडिया पत्रिका का प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ था और इनके जो संपादक का नाम है उनका नाम है शरत चंद्र रॉय। मैन इन इंडिया शरत चंद्र रॉय। दोस्तों अगली पत्रिका का नाम है आदिवासी। दोस्तों आदिवासी एक पत्रिका थी और ये समाचार पत्र आदिवासी समाचार पत्र था ये, और इसका प्रकाशन शुरू हुआ था 1932 ईस्वी में। आदिवासी समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ था 1932 ईस्वी में और इनके जो संपादक का नाम था वो बहुत ही उस समय के झारखंड के बहुत पॉपुलर आदमी थे बंदीराम उरांव, जो छोटा नागपुर उन्नति समाज के संस्थापक थे बंदीराम उरांव। ये आदिवासी समाचार पत्र के संपादक थे। दोस्तों अगली पत्रिका है झारखंड पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ था 1937 ईस्वी में गुमला से। झारखंड पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ था 1937 ईस्वी में गुमला से और इनके संपादक थे बड़ाइक ईश्वरी प्रसाद सिंह। झारखंड पत्रिका के संपादक थे बड़ाइक ईश्वरी प्रसाद सिंह। दोस्तों अगली जो पत्रिका है सत्संग, जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है कि कोई ये धार्मिक प्रवृत्ति की पत्रिका होगी, और इसका प्रकाशन हुआ था 1937 ईस्वी में और ये ईसाई धर्म से संबंधित पत्रिका थी सत्संग, और इनके संपादक थे फादर पीटर शांति नवरंगी। सत्संग पत्रिका के संपादक थे फादर पीटर शांति नौरंगी। दोस्तों अगली पत्रिका है जोहार। दोस्तों झारखंड में जो
किसी को संबोधित या किसी को ग्रीटिंग्स करने का जो वर्ड है जोहार, उसी नाम से एक पत्रिका निकाली गई थी 1980 ईस्वी में, और इनके संपादक थे दिलवर हंस। अगली पत्रिका का नाम है डहर, डहर यानी कि रास्ता। तो डहर इस पत्रिका का नाम था और इसका प्रकाशन शुरू हुआ था 1982 ईस्वी में डहर का प्रकाशन शुरू हुआ था। और इनके जो संपादक थे जोगेंद्र नाथ तिवारी, डहर पत्रिका के संपादक जोगेंद्र नाथ तिवारी। दोस्तों अगली पत्रिका झारखंड से प्रकाशित होने वाली जनहुल, ये जो झारखंड का आंदोलन जो अपने चरम सीमा पर था और जो झारखंड बनने की प्रक्रिया चल रही थी, उस वक्त इस पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ था, यानी कि 1997 ईस्वी में जनहुल पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ था। और इनके संपादक का नाम था फैसल अनुराग। दोस्तों हमारी अगली पत्रिका का नाम है हुल जोहार, जो झारखंड के बनने के बाद शुरू की गई थी 2002 ईस्वी में। और इनके जो संपादक का नाम है वो बीपी केसरी। जन हुल जोहार 2002 में शुरू हुई थी और इनके जो संपादक हैं बीपी केसरी। दोस्तों झारखंड के पत्रिकाओं से संबंधित ये क्लास का ये पहला भाग था, जिसको हम यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों बाकी बचे हुए जितने भी पत्रिकाएं हैं उनका चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। दोस्तों हमारे चैनल और हमसे जुड़े रहने के लिए द की पॉइंट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों से एक निवेदन है कि इस वीडियो को आप देखने के बाद इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी ज़रूरतमंद हो, जो भी परीक्षाओं की तैयारी करते हों, खासकर झारखंड राइज से संबंधित तथा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हों, वे उन लोगों तक यह वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं।